दिल्ली नगर निगम के अधीन कई वार्डों में पार्कों की हालत बदतर है। वार्ड वासियों का आरोप है कि पार्कों में साफ सफाई का कोई इंतजाम नहीं है। कई कॉलोनियों में तो लोग खुद ही पार्क की सफाई का जिम्मा संभाल रहे हैं। इसी तरीके से टूटी गलियां, दम तोड़ता सीवरेज सिस्टम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। बदहाल पार्क और टूटी गलियां, दम तोड़ता सीवरेज सिस्टम, कंक्रीट के शहर में बच्चों और बुजुर्गों के लिए खुली हवा में सांस लेना मुश्किल हो रहा है। थोड़ी बहुत उम्मीद शहर में बने पार्क से लोग लगाए बैठे, लेकिन उनकी बदहाली से त्रस्त होकर लोग घरों में ही रहना पसंद करते हैं। कॉलोनियों में पार्क्स की गंदगी के चलते डेंगू और मलेरिया का खतरा भी हमेशा बना रहता है। मैम, ये जो हमारा एरिया है, यहाँ पे आसपास आप देखोगे बहुत ज्यादा गंदगी है। कभी कोई प्रशासन ने यहाँ पे झाड़ू लगाने वाले नहीं भेजे हैं। मच्छर इतना हो रहा है कि इस टाइम डेंगू बहुत ज्यादा फैल चुका है। छोटे छोटे बच्चों को डेंगू हो रहा है। हमारे घर का बच्चा ही, हमारे घर का ही एक बच्चा जो डेंगू से अभी जो लड़ाई लड़के आया, मतलब 15 दिन वो हॉस्पिटल में रहा। 15 दिन 15 डेज मायने रखते हैं कि वो छोटा बच्चा है और वो 15 डेज डेंगू के करके हॉस्पिटल में रह कर आया है। तो उसकी हालत भी बहुत ख़राब थी डेंगू की वजह से। अच्छा। तो कोई फैसिलिटी नहीं है, मतलब कोई धुएं वाली गाड़ी छोड़ने नहीं आए, दवाई डालने वाला कोई भी नहीं आया। एक तो सड़कों पे पानी रहता है जब बारिश आती है, और पार्क के अंदर मच्छर, और हमारे मोहल्ले में तो आप देख ही आए हो जो भी गलियां हैं, ना किसी ने आज तक काम कराया। 15 साल हो गए, कोई नहीं आया पूछने। पार्क से इसी से गुजारा है, क्योंकि हमारे आसपास घर हैं और हम लोग यहीं रहते हैं। दोपहर में से अब सर्दी आ गई, सर्दी में हमारा यहीं बैठना, लेकिन सफाई नहीं होगी तो हम कैसे बैठे। अभी हमें भागने की लग गई एकदम, मच्छर इतना आ रहा है तो हमें भागने की लग रही है। और घर वाले भी यही कहेंगे कि भाई तुम क्यों जाते हो पार्क में, लेकिन हम बड़ी बूढ़ी औरतें हैं, हम वहाँ पे स्टूल नहीं है। सबसे बड़ी बात तो उन लोगों को हमने बोला कि आप थोड़े से स्टूल डाल दो। हम सत्संग की औरतें, 25-30 औरतें होती हैं यहाँ पे बैठ के, हम दोपहर में अब गर्मियों में शाम को सत्संग वगैरह करती हैं, बैठती हैं। तो वो बोले हाँ डालेंगे, वो अभी तक नहीं डाले हमारे। अच्छा। कुछ भी नहीं करते हैं यहाँ पे, बहुत गंदगी हमारी इस साइड में नानी वाले बाग में बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल भी कोई नहीं करते। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वहाँ खेल भी नहीं सकते बाहर इस टाइम बाहर निकल के, वो बहुत ज़्यादा गंद डाला हुआ है यहाँ पे। दिल्ली वासी चाहते हैं कि पार्क हरे भरे, लेकिन उनके रख रखाव की तरफ नगर निगम ध्यान देने को राजी नहीं। शहर के कई वार्ड्स तो ऐसे हैं जहाँ लोगों को खुद पार्कों की सफाई करनी पड़ रही है। यहाँ पे माली भी नहीं आते हैं, हम लोग खुद ही कूड़ा मतलब इकट्ठा करते हैं, बस हम कॉल करते हैं, सिर्फ उठा के लेके जाते हैं बस, बाकी कुछ नहीं काम करते। हम खुद ही काम करते हैं, 8-10 हैं वापस मिल के काम करते हैं, और कोई नहीं। मतलब कार फैसिलिटी वगैरह, पार्किंग, जो पार्किंग सेवा है हम खुद करते हैं, सफाई अभियान जो भी है हम खुद 8-10 बंदे वापस करते हैं। उनको करो भी तो नहीं सुनते वो लोग, फिर खुद को करना पड़ता है। यहाँ पर यही है 2-4 जने जो यहाँ बनी हुई टीम बनी हुई है यहाँ की, हमारे डी ब्लॉक की, तो खुद ही सफाई वगैरह करते हैं। कूड़े के लिए भी बहुत बार क्या जाता है, तब जाकर वो आते हैं। कोई पेड़ नहीं, कोई पौधा नहीं, कोई देखभाल नहीं है किसी चीज की भी। अच्छा। जब वोट पड़ते हैं तब घर घरों में आते हैं। जैसा हाल पार्क का, वैसा ही हाल कॉलोनियों के सीवरेज सिस्टम का भी है। नालियों की सफाई नहीं होने से मच्छर फैल रहे हैं, और बारिश के दिनों में यही गंदी नालियां ओवरफ्लो होकर दिल्ली वालों का जीना दूभर कर देती हैं। हाँ, डॉग्स की हैं आपके, मतलब सीवर लाइन की प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम यहाँ पे है। क्या सुविधा के कुछ भी नहीं है, मुझे तो लगता मेन है मॉन्कीज का, डॉगिस का, और क्या कहते हैं नारियल, जो हमारी नालियों की है सीवर लाइन जब बिल्कुल ब्लॉकेज है। मेन है सैनिटेशन, जो MCD का जो वर्किंग एरिया है वो है सैनिटेशन, वो प्रॉपर नहीं है। मॉस्किटो ब्रीडिंग इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि मतलब वो एक हेल्थ रिस्क जो है बहुत ज़्यादा, बहुत बड़े लेवल पे है। तीसरा मंकी मिनेस जो है, जो बंदरों का जो आक्रमण है, आतंक है यहाँ पे। छोटा बच्चा हो क्या बड़ा हो, किस समय उनका आक्रमण हो जाए, किस समय वो शिकार हो जाए, कोई नहीं जानता। आश्वासन दिया जाता है कि आपके काम कर दिया जाएगा। काफ़ी समय से हमारे यहाँ पार्कों में पानी बंद कर दिया गया है, और फिर हमें ये कह दिया जाता है कि फ़ंड नहीं मिल रहा, कर्मचारी नहीं हमारे पास ये काम करने के लिए, फ़ंड अवेलेबल नहीं है। और पार्कों में जितना भी पानी की फैसिलिटी थी, सारे ट्यूबवेल बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि NGT के ऑर्डर हैं, आप जो है ट्यूबवेल नहीं चलेंगे। और काफ़ी समय से पार्कों की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय हो गया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। पार्क साफ नहीं होंगे तो बच्चे और बुजुर्ग जाएंगे कहाँ?
गलियां नालियां अगर साफ नहीं हो तो डेंगू मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारियों का फैलना लाजमी है। और ऐसे में साफ और स्वच्छ दिल्ली के लिए एमसीडी में तेज तर्रार प्रशासन की सख्त जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।